नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सनातन धर्म रहस्य में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा विषय है आयुर्वेद, और आयुर्वेद में हम आपको उस दिव्य औषधि के बारे में बताएंगे जो एक बहुत बीमारी को नष्ट करती है, उसको जल्दी ठीक करती है, और उसका नाम है दूधी। जी हाँ मित्रों, ये बहुत बारीक सा पौधा है, ये घासों के बीच में मिलते हैं, इसके बहुत गोल पत्ते होते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये इसकी खासियत ये है कि ये कितना ही भयंकर दस्त हो उसको ये ठीक करती है। ये खास तौर पर ये विशेष रूप से ये मैदानों में पाई जाती है, खेल के मैदानों में, स्टेडियम में, या कहीं जंगली घास के रूप में ये मिल जाती है। इसके गोल पत्ते होते हैं मित्रों, बहुत बारीक पत्ते होते हैं, और इसको दबाने से दूध निकलता है इसमें, ये इसकी पहचान है। मित्रों, गर्मी का समय है और गर्मी के समय में दस्त लगना लाजमी है, हो जाते हैं, छोटे बच्चों को इन्फेक्शन जल्दी हो जाती है, और ये कारगर औषधि है। बच्चा बूढ़ा या कोई भी इसको ले सकता है, दस्त तुरंत आराम आ जाएगा, एक बार नहीं तो दो खुराक में आराम आ सकता है। ये अब हम बताते हैं कि इसका सेवन कैसे करते हैं। ये इसको आप ध्यान से देख लीजिए, गोल पत्ते हैं, ये दूधी इसको बोलते हैं, इसको दबाने से दूध निकलती है, ये इसकी पहचान है। इस तरह की घास मित्रों बहुत सी है, कुछ खड़ी रहती है, कुछ ये ज़मीन पर पड़ी रहती है, इस प्रकार से इनका इनकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है। तब इनकी पहचान करें कैसे? इनकी पहचान मित्रों ये है, ये कभी खड़ी नहीं रहती, ये ज़मीन पर लेटी रहती है, पड़ी रहती है, घास की तरह खड़ी नहीं होती, ये इनकी पहचान है। बहुत बारीक इनके गोल पत्ते होते हैं, आप देख सकते हैं, इनको दबाने से दूध निकलता है, ये इनकी खासियत है, इसीलिए इनको दूधी कहा गया है। ये जब भी किसी बच्चे को या किसी बूढ़े को दस्त हो, बच्चों में खास तौर पर जो खूनी दस्त भी हो जाते हैं शुरू, कितनी ही बुरी इन्फेक्शन हो, ये चार पांच इसके पौधे ले लीजिए दूधी के, और उनको बारीक महीन पीस कर पानी में चटनी बना लें, और पानी में उनको एक चम्मच उसका अर्क दस्त के रोगी को, शिशु को दे दें, तुरंत लाभ आ जाएगा, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में आराम आ जाएगा। ये रामबाण औषधि है मित्रों, ये जानकारी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये इससे ये अब गर्मी में जो दस्त की समस्या हो रही है, शिशुओं में खास तौर पर ये समस्या हो रही है, इसके चलते मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इन दिनों में मैंगो शेक पीते हैं, आम का रस पीते हैं, उसमें बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। शिशुओं को गर्म अभी इन दिनों में मैंगो शेक ना पिलाएं, उनको दस्त की समस्या हो सकती है। उसका कारण ये है कि आम की तासीर गर्म होती है, और गर्मी के कारण बच्चों को अमूमन दस्त लग जाते हैं। इसके अलावा मित्रों, और भी हम आपको आयुर्वेद की नित्य जानकारियाँ देंगे, तो जब भी आपको समस्या हो, बच्चा किसी को दस्त हो, उस बच्चे को आप ये औषधि पिलाइए। तरीका यही है उसका कि चार पांच उसकी पौधे लीजिए, और उनको महीन बारीक पीस कर उनका अर्क बना लें, एक चम्मच औषधि उसको अर्क उसको बच्चे को पिलाएं, और दूसरी दो एक चम्मच अगर आराम ना आए तो दोबारा पिलाएं, अगले दिन या सुबह पिलाएं, शाम को पिलाएं, दो खुराक में आराम आ जाएगा और दस्त तुरंत बंद हो जाएंगे। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें, उसका कोई सलाह अवश्य दें। किसी को कोई समस्या हो तो आप ये दस्त की समस्या हो तो आप उनको ये राय दे सकते हैं, घर के औषधि, घर की औषधि और घर का वैद, ये सबसे उत्तम कारगर युक्ति है। ये हमारा आयुर्वेद में खजाना भरा पड़ा है बीमारियों को दूर करने का। तो मित्रों, ये जानकारी कैसी लगी, उसके लिए अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कमेंट बॉक्स में। आप सभी का धन्यवाद, और आपसे निवेदन है, कृपया पसंद आए तो इसको वीडियो को शेयर अवश्य करें।
लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो लाइक है, बीच में शेयर का ऑप्शन है, और राइट क्लिक में आपके सब्सक्राइब का ऑप्शन है। सब्सक्राइब को आप क्लिक करेंगे तो बेल आइकन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा। इसी के साथ मैं ज्योतिष आचार्य अनुज जैमिनी आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री राम।